तो फ्रेंड्स फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक इंड के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, आपके ज़िले में बहुत सारे ज़िले में, आपके आसपास के भी ज़िले में यहाँ पे बाढ़ आया होगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनको 6,000 रुपये गवर्नमेंट उनको एक मदद के तौर पे पैसे दे रहे थे उनके अकाउंट में। तो वो कैसे आप बैलेंस चेक कर सकते हो, किसी के भी आप बैलेंस चेक करके आप बता सकते हो कि आपका बैलेंस आया है या नहीं आया है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं एग्जांपल के लिए कि आप जैसे आप चेक करोगे आपका जो स्टेट है उस स्टेट से अदर किसी आसपास स्टेट में चेक कीजिए, बिहार राज्य में बहुत से ज़िले में वहाँ पर बाढ़ आया था, जो बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट उनको 6,000 रुपये प्रोवाइड कर रही थी। तो उससे क्या आप अगर उनको नहीं पता है कि उनका पैसा आया है नहीं आया है, तो आप इसे इजी तरीके से अपने मोबाइल से ही घर बैठे चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको साइड पे। उससे पहले साइड पे जाने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आप में आपको एक बेल आइकन दिख जाएगा, इसको ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूँ कि इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। सिंपल सा आपको करना क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड डिस्क्रिप्शन में जाते ही यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको देख लीजिए इसका जो ये आपको दिख जाएगा वेबसाइट का लिंक। वेबसाइट का नाम है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपके किसी भी बैंक अकाउंट का यहाँ पे बैलेंस आप चेक कर सकते हो, जो उनके गवर्नमेंट की तरफ से बैलेंस मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके दिखा दूँ, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे पैसा आता हो आपको यहाँ पे इजी तरीके से चेकिंग हो जाएगा, इजी तरीके से बैलेंस चेक कर सकते हो। बैलेंस चेक करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक अकाउंट ही यूज़ किया जाएगा, अदर कुछ भी यूज़ नहीं किया जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दूँ मैं कि जो लोग बाढ़ पीड़ित में परेशान थे, जिनको गवर्नमेंट के तरफ से 6,000 रुपये मिला था, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमारे अकाउंट में नहीं आया है, बहुत से बोल रहे हैं कि हमारे अकाउंट में आ गया है। एंड वो लोग जो है अपना बैलेंस चेक करवाने के लिए बैंक में जा रहे हैं, तो उनको बैंक में अब जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे उनको बैंक नाम डालना है, यहाँ पे नंबर डालना है और नंबर कंफर्म करना है, अकाउंट नंबर कैप्चा वेरीफाई करके यहाँ पे जो इसका कैप्चा है वो यहाँ पे फिल करके एंड सीधे सर्च पे क्लिक कर देना है। चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो एक मेरे पास यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे आया था, जो मेरे ही फैमिली में था, यहाँ पे आया था, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। पहले तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बैंक नाम, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका जो बैंक नाम होगा वो यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना है, तो सिंपल सा चलिए यहाँ पे अकाउंट नंबर हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद आगे का जो ऑप्शन आता है आगे आप लोगों को यहाँ पे हम बता देते हैं। तो आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना फिल कर लूँ। उसके बाद अकाउंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको वही अकाउंट नंबर यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी आप अगर मिस्टेक करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है कि आपका बैलेंस चेक ना हो। तो सिंपल सा जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अपने दोनों अकाउंट नंबर यहाँ पे कंफर्म कर दिया दोनों बार, उसके बाद नीचे आपको ये देखने को मिल जाता है ये कैप्चा। तो सिंपल सा इस पर हम क्लिक करेंगे एंड कैप्चा में ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है वही सेम टू सेम लिख देना है, 08 एंड उसके बाद स्मॉल सी, फिर उसके बाद 7D यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, स्मॉल डी है, उसके बाद 2। उसके बाद सिंपल से यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देना है, सर्च का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो अकाउंट रहेगा नीचे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जरूर हमने कुछ मिस्टेक किया अकाउंट में, इसी वजह से यहाँ पे मैच नहीं हुआ है, ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे वोल्डोज नॉट मैच यहाँ पे प्लीज ट्राई अगेन। तो चलिए दोबारा हम यहाँ पे कन्फर्म करके आगे आप लोगों को हम दिखा देते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा कंफर्म किया तो अभी यहाँ पे जो हमारा रेड कलर में लिख के आ रहा था कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, तो उसे क्या अकाउंट नंबर हमारा रॉन्ग फिलअप हो गया था, इसी वजह से नहीं आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे नीचे देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो मेरा यहाँ पे शो करेगा, एंड बाकी यहाँ पे जो नाम रहेगा नाम यहाँ पर शो करेगा, एंड ये जो पैसा किस कहाँ से आया वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर BRPA यहाँ पे उनके तरफ से कोड लैंग्वेज है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। बाकी यहाँ पे उनका जो टैक्स आईडी होता है, यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजेक्शन आईडी होता है वो, एंड बाकी यहाँ पे नीचे आप इस तरफ देख सकते हो इधर आपका अमाउंट शो करेगा। राइट हैंड की तरफ इस साइड आप देखोगे तो आपका उधर अमाउंट शो करेगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपको देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद थोड़ा सा और इधर स्क्रॉल करेंगे राइट की तरफ तो यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे देख लीजिए 6,000 रुपीज़ मेरे को यहाँ पे रिसीव हुआ है जो आपके आपने जिस अकाउंट को दिया था, एंड इतने डेट को यहाँ पे रिसीव हो गया है, आप लोगों को यह देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह आप किसी के भी बैंक अकाउंट का बैलेंस आप चेक कर सकते हो कि उनका बैलेंस का जो बार के तरफ से जो मिलने वाला था बैलेंस वो बैलेंस रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, बहुत इजी तरीके से चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह के नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के साथ में आपको बेल आइकन दिख जाएगा उसको ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाओगे। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो गाइज हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।